भीमलाल जंगल के सभी पक्षी इस मौसम का भरपूर मजा ले रहे थे। शाम के टाइम एक अजीब तरह का शोर हुआ और सभी पक्षी का ध्यान उस तरफ चला गया। अरे ये कैसी अजीब तरह का आवाज है? ऐसा लगता है जैसे कोई बाजा बजा रहा है। सभी मिलकर उस आवाज का पीछा करते हुए एक जगह पहुंचे। उन्होंने देखा मोंटू चिड़िया एक पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने मुंह से शंख फूंक रहा था। अरे मोंटू बहन, ये तुम क्या कर रही हो? पेड़ पे बनी इस आकृति को देखो, तुम लोग इसे शायद समझ नहीं पाओगे। पेड़ पर शिवलिंग की आकृति बनी हुई थी। ये क्या चीज है? इसे शिवलिंग कहते हैं। इंसान अपने दुख परेशानी से छुटकारा पाने के लिए भगवान की पूजा करते हैं। हर शिवरात्रि को भगवान को खुश करने के लिए वो एक खास पूजा करते हैं। और अगले महीने तो महाशिवरात्रि आ रही है, इस रात का महत्व और ज्यादा होता है। इसलिए उस रात वो लोग उपवास रखते हैं और पूरी रात जाकर शिव जी की भक्ति में लील रहते हैं। तो क्या हम सभी जंगल वासियों को कभी मुसीबत आई तो भगवान शिव हमारी मदद करेंगे? अगर हमारी श्रद्धा उनके लिए सच्चे दिल से अच्छी रहेगी तो जरूर मदद करेंगे। बाकी पंछियों के तो उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें पूजा करने से नहीं रोका। एक दिन चिड़िया अपने दोनों बच्चे के साथ घोंसले पे बैठी थी। बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ। अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचे तो शोर मचा देना। ठीक है मम्मी, हम ऐसा ही करेंगे। मैना अपने दोनों बच्चों को छोड़कर चली गई। एक दिन गोल्डीबाज अपने भूख के मारे वहाँ से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर चिड़िया के बच्चों पर पड़ी। अरे वाह, इतने ताजे ताजे चिड़िया के बच्चे, आज तो मजा ही आ जाएगा। बचाओ बचाओ, बाज आ गया, बचाओ बचाओ, बाज आ गया। बच्चों की आवाज सुनकर बाकी चिड़िया भी वहाँ आ पहुँची। गोल्डी, इन बच्चों से दूर रहो वरना ठीक नहीं होगा। क्यों दूर रहूं? मैं इन्हें खाने जा रहा हूं, तुमसे रोका जाए तो रोक लो। मैं फिर से कह रहा हूं कि दूर रहो इन बच्चों से वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, ठहर जाओ, अभी मैं तुम्हें बताता हूं। आज अपने पंजे से उन्हें चकमा कर देता हूं। अब मेरे सामने नहीं आना कीड़ो मकोड़ो। बाज इतना कहकर एक बच्चे के मुंह में ले लेता है। ये देखकर दूसरा बच्चा रोने लगता है। बाज अंकल प्लीज मुझे मत खाना, मेरे भाई को तो आप खा ही चुके हो। हाँ, मेरी माँ वापस आकर उनको देखेगी तो यहाँ नहीं होंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। मुझे उसकी परवाह नहीं, मुझे तो बस मेरा खाना नजर आ रहा है। उसने जैसे ही दूसरे बच्चे को अपने मुंह में डाला तभी चिड़िया वहाँ आ गई। शुक्रिया मैना, बहुत ही स्वादिष्ट बच्चे थे, जल्दी नए बच्चे पैदा करना। कहते हैं उसने अपना विशाल पंख फैलाया और वहाँ से चला गया। अपने बच्चे का खून घोंसले पे लगा हुआ देख चिड़िया रोने लगी। जख्मी हुए पंछियों ने मोंटू चिड़िया को सब कुछ बताया। हे भगवान शिव, हम जंगल के पक्षियों के उस दुष्ट गोल्डी के प्रकोप से बचाइए। चिड़िया बहन, तुम भी शिव जी की प्रार्थना में लग जाओ, उनकी पूजा याचना में लग जाओ, वो तुमको दुष्ट बाज के प्रकोप से जरूर बचाएंगे। उसके कहने पर भी चिड़िया ने शिव जी पर श्रद्धा बना ली और उसी पेड़ पे घोंसला बना लिया जिस पर शिवलिंग बना हुआ था। वो भी रोजाना मोंटू के साथ मिलकर शिव पूजा करने लगी। कुछ दिनों बाद उसने दो अंडे दिए। हे भगवान, मेरे बच्चे कुछ दिन बाद इन अंडों से बाहर निकलेंगे। इस बार उस दुष्ट गोल्डी बाज से मेरे बच्चों की ही हिफाजत करना। अब महाशिवरात्रि के दो दिन बचे थे। चिड़िया के अंडों से दो बच्चे बाहर निकल आए। उन बच्चों को पाकर चिड़िया और ज्यादा खुशी हुई। चिड़िया अब और ज्यादा श्रद्धा के साथ शिव जी की पूजा करने लगी। जब मोंटू और चिड़िया शिव जी की पूजा कर रहे होते तो बाकी कीड़े पंछी उनके साथ खड़ा होकर उनके साथ देते। आखिरकार महाशिवरात्रि आ गई।
शाम को मोंटू ने चिड़िया से कहा, चिड़िया बहन आज महाशिवरात्रि है, आज हम लोग पूरी रात जाकर शिव जी की उपासना करेंगे। वो हमसे प्रसन्न हो गए तो हर मुसीबत में वो हमारी मदद करेंगे। क्यों नहीं मोंटू बहन, मैं जरूर उपासना करूंगी, बस मेरे बच्चे उस दुष्ट गोल्डी के प्रकोप से बच जाएं। फिर सब लोगों ने साथ मिलकर पूजा की तैयारी की। तभी गोल्डी बाज वहाँ आता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अरे वाह चिड़िया, तुमको मेरी कितनी फिक्र है, तुमने इतनी जल्दी दो बच्चे दे दिए। अब मैं इनको खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। वो भयानक आवाज में हंसते हुए उन बच्चों की तरफ बढ़ा। चिड़िया अपनी जान की परवाह किए बिना उस पर झपटी, लेकिन गोल्डी बाज उस पे अपनी चोंच से दो तीन बार ऐसा हमला किया कि वो चोट खाकर नीचे गिर पड़ी और वो उड़ने के लायक भी नहीं रही। चिड़िया शिवलिंग के सामने अपने पंखों को जोड़ा और बोली, हे भगवान शिव, इस दुष्ट से मेरे बच्चों की हिफाजत कीजिए, वरना ये फिर से मेरे बच्चों को मारकर मेरी गोद सुनी कर देगा। चिड़िया के बच्चों की रक्षा करिए भगवान, ये कहकर मोंटू चिड़िया ने शंख फूंका। तभी गोल्डी धीरे धीरे उन बच्चों की तरफ बढ़ रहा था। सभी पक्षी भी देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी। उसने जैसे ही बच्चों की तरफ बढ़ा, उसके पंखों में आग लग गई और वो चीखते चिल्लाते हुए नीचे जमीन पे गिरा। सभी ये देखकर हैरान रह गए, उसके पंखों में आग लग रही थी। मेरे पंख जल रहे हैं। वो चीखता चिल्लाता हुआ अपना दम तोड़ दिया। आपने मेरे बच्चों की रक्षा की, धन्य हो भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। सभी बहुत खुश हुए और सब मिलकर शिवरात्रि के दिन शिव जी की श्रद्धा से पूजा की।